अस्सलामुअलैकुम और रमदान का महीना, मुबारक महीना हमारे तमाम व्यूअर्स को बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह मियाँ हम सबको तौफीक अता फरमाए कि अच्छे अच्छे काम करें, अच्छी अच्छी लोगों से सही तरीके से पेश आएँ, अपनी ज़बान का जो है सही इस्तेमाल किया जाए, किसी का दिल ना दुखाए। खैर ये सिर्फ रमज़ान के महीना नहीं, ये जो है थ्रू आउट आपकी ज़िंदगी में ये हमें रूल अपनाना चाहिए। चले जी, ये तो था एक मेरी पहली वीडियो है रमज़ान की, मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि जब इतनी चीज़ें शेयर करते हैं तो घर में क्या हो रहा होता है, मैं चाहती हूँ वो भी शेयर करूँ। तो खैर माशाल्लाह सब लोग बिजी होंगे, आई नो बहुत सुस्ती होती है, मैं भी बिल्कुल ऐसा, क्योंकि चाय नहीं मिलती ना, आपको पता आदत है चाय और कॉफ़ी की, तो बिल्कुल मुझे लगता है हर वक्त मुझे नींद ही आई जा रही है। अच्छा, बेसिकली आज की जो वीडियो है ये है अबाउट इजी कुकिंग, ठीक है, इजी कुकिंग फॉर रमदान। और वो इसलिए है इजी कुकिंग और साथ साथ जो किचन मेरा काफ़ी जो मैसअप हुआ हुआ था, थोड़ा बहुत जो इसके अंदर पॉलिश हट गई थी, काफ़ी साल हो गए थे और कुछ मुझे शेल्फ बनाने थे ताकि तरीके से रखो, कुछ कहीं पे बर्तन रखते वो लकड़ी ख़राब हो रही थी, टिड बिट्स मेंटेनेंस, थोड़ी सी डीप क्लीनिंग, वो तमाम चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और आप देखेंगे कि तीन दिन लग गए और दो दिन के बाद तो कारपेंटर भी नहीं आया, और बहरहाल अब जो है कंप्लीट करने के बाद अब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि हमने क्या क्या चीज़ें बनाई हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, बहुत ही बुरे होलिए में है और मैंने सोचा कि एकदम मुझे याद आया कि पूरा किचन उलट पुलट हो रहा है, साथ में कारपेंटर काम कर रहा है, थोड़ा सा टचिंग पॉलिश ही करनी थी और साथ में हम इजी कुकिंग फॉर रमज़ान। तो ऑलरेडी खैर रमज़ान तो आए गए लेकिन मैंने ये एक दिन पहले से सब स्टार्ट किया हुआ था। और ये देखें आज हम बना रहे हैं रोल्स, मैं अब आपको दिखाऊंगी मैंने आलू के फ्रीज किए किस तरह से, उसकी रेसिपी शेयर करूंगी, फिर मैंने समोसे बना के रखे हैं और साथ में अब हम बना रहे हैं रोल्स और कबाब, एक चपली कबाब और एक शामी का, और ये सब मैंने डिब्बे में करके फ्रीज़र में, कि मैं रिकॉर्डिंग में अगर बिजी होती हूँ तो कम अज़ कम शबाना जो है तैयारी कर लेना, और भी आपको शेयर करूँगी ईजी कुकिंग में। ये देखिए ये रोल्स जो है ना ये बड़े मज़े के होते हैं, और फिर ये सब शौक से अलीज़े बहुत शौक से खाती है। ये थोड़े से मैं आपको रेसिपी भी इसकी शेयर कर देती हूँ जो हम घर में करते हैं, पतले ये बस ज़्यादा नहीं, ज़्यादा डालूंगी तो ये अच्छा जी। इस ये थोड़ा सा ये साइडों में ये मैंने स्क्वायर वो लिए समोसे की जो पट्टी होती है, ये हल्का सा जो है ये मैंने लगाया है आटा या मैदा, दोनों को हल्का सा पानी में घोल के ताकि ये बाइंडिंग के लिए काम आएगा। ये देखिए इस पर ये किया मैंने, ठीक है, इसको मैंने ये बल्कि थोड़ा सा ये ऐसे किया, कोई बात नहीं, मीरा कह रही है गलत कर दिया या साइड कर ली थी, चलो मैं यूँ भी कर सकती हूँ, चलो ये ऐसे करना, चलो जी ऐसे कर लो, ऐसे चलो जी, वो कह रही है ऐसे कर लो इसको ऐसे, वो लंबे बन जाते हैं तो ये छोटे ताकि एक ही साइड, ये आपने कर लिया, अब इसको हमने ये ऐसे किए यहाँ पे, ठीक है, हाफ ही आई में, और इसको रोल किया और बाकी इसको हम मैंने तो स्क्वायर बना लिए, मैंने रोल पतले इसको पतले करेंगे कर ये, और ये हमने यहाँ पे ये इसको बंद करने के लिए ताकि जब फ्राई करें ये टाइट कर लिए, और ये देखिए ये मैंने ये बना बना कर इस दो पैकेट एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस सत्ताईस अट्ठाईस उनतीस रोल बने हैं। हालांकि पहले काफ़ी खैर काफ़ी होंगे, कुछ चकोर हैं कुछ वो हैं, खैर कोई बात नहीं, वरना पतली पतली पट्टियाँ ना चौड़ी वाली थी तो छोटे भी सही हैं। चीज़ें फ्रीज करके रख दी हैं वो भी, और बस मत पूछे अभी अभी बहुत सारा काम है आज के दिन, फिर किचन साफ करके भी आपको दिखाएंगे। साथ साथ जो है किचन जो है ना मुझे देख के घबराहट हो रही, आदत नहीं है, तो ये इमली इमली भी जो है ना ये मैंने खूब सारी, अक्सर ये तो रमज़ान है लेकिन अक्सर मैं फ्रीज में डाल देती हूँ, ये इमली को मैंने कोई तीन चार पैकेट्स को करके धुलवा के रात में ही भिगो दिया था,
सुबह आकर जो है इसको बॉईल किया है ताकि गंदगी और जर्म्स जो भी है थोड़े बहुत कचरा होता है साफ हो जाए। ये बॉईल होने के बाद साथ में मैंने खजूरों को भी इसके अंदर ही मिक्स कर दिया है। अब ये पक्के थोड़ा सा इसको और पानी डालूंगी, ठंडी हो रही है, फिर इसको एक दफ़ा पूरा जो इमली को हम बनाएंगे पानी डाल के अलग से कर दिया, इसके बीजों में से फिर उनको भिगोंगी पानी में, फिर थोड़ा सा उसमें से और निकलेगा। और फिर इसके अंदर मैं डालती हूँ काला नमक, लाल मिर्चें, ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा को भून कर उसको पीस के वो इसमें जाएगा। और ये अगर मिठास थोड़ी सी कम है तो थोड़ी सी आप चीनी डाल सकते हैं, लेकिन डाइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने कहा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी खजूर है तो खट्टी मीठी बेहतरीन। जब सर्व करेंगे चनों के साथ तो फिर इसमें हरा धनिया हरी मिर्ची, पहले मैं हरा धनिया हरी मिर्ची भी इसमें पीस के रखती थी लेकिन नहीं, लेकिन अब है सिर्फ काला नमक, सफ़ेद ज़ीरा, लाल मिर्ची और दैट्स इट, और खजूर और इमली, ठीक है ना। जब बनेगी तो आपको दिखाएंगे। तो ये एक स्टोरेज हो गया हमारा, एक मैंने आपके साथ रोल शेयर किए, अब बाकी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। किचन मेरा बिल्कुल मैस हुआ हुआ है, मैंने कहा आपको पहले बताती, ये जो बांस देख रहे हैं आप, ये यहाँ पे सब ये ड्यूको पेंट उड़ चुका है, तो ये मुझे सही कराने टिडबिट्स हैं, दराज निकाल के रखी है और इसको भी पेंट होगा, यहाँ पे जो है पॉलिश का इसको सही कराना है, सारे बर्तन बाहर हैं। और मैं आपको बहुत नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगी कि बल्कि इसी में बताऊंगी कि इजी कुकिंग। ये देखें पूरा किचन इतना मैस है, मुझे सख्त बेचैनी हो रही है कि मैं क्या करूं, और ऐसा मुझे इस हालत में, बट आई हैव टू बैर इट। और यहाँ पर ये देखें ये रोटियां बन रही हैं, ये देखें अभी जो है ना मैं ये सब क्योंकि ना ये इस पर मैं डीको नहीं करवा रही हूँ, इस पे मैं सारा पॉलिश करवा ली थी जहाँ जहाँ उखड़ गया था। अब ये मैं एक दफ़ा असल ये होती है चीज़ें ये मैं बैठ के इसको पूरा साफ करती, क्योंकि उसने कहा है कि उसके बाद किचन में कोई नहीं आएगा, तो आज मैंने अपनी वॉक भी नहीं की, मुझे बेचैनी लगी रहती कितना कि सफाई ना होना, ये इनसे पूछे मुझे बहुत बेचैनी की, किचन ऐसा हो रहा मेरा बस नहीं चल रहा कि जल्दी से, और मैं अभी खुद लग के लोग के साथ करूँगी ये ताकि एक दफ़ा मैं करके इस पर खाक पाऊँगी, ये यहाँ घसेगा, ये जो है ना ये डीको पेंट है, इसको मैं अभी साफ करूंगी, ये सारे अब गीले पानी से, अमूमन जो फर्नीचर पॉलिश है उससे, लेकिन आज मैं इसको ये जो अक्सर हाथ लगता है ना ये रोज के अगर नहीं करूँ ना सफाई लोग कभी डंडी मार जाते, फिर मैं इनको पकड़ती हूँ कि ये ऐसे साफ करना है क्या स्पंज से, मेरा देना स्पंज दो, एक दफा निचोड़ के दो वैसे मैं समझी कि मेरी वजह से, लेकिन ये ऐसे हम उसको सफाई कर देते, ये आज मैं पक्का करूंगी, इसके बाद अगर मैंने गंदा देखा ना तो खैर नहीं है, हंसो नहीं मैं बता रही हूँ तुम लोग, अच्छा ये देखिए ना ये मुझे बेचैनी होती है, देखिए एक सर्फ का पानी लेके इंसान थोड़ा सा ये चीज होती है कि ये मैं सब साफ कर रही हूँ, ये देखिए चिप चिप के सही है, ये देखिए थोड़ी देखो अभी सब सब मुझे साफ करना पड़ेगा, लोग समझते हैं कि हम सिर्फ फैशन करना जानते हैं, फैशन के साथ साथ सारी चीजें टिपिकल घरेलू है हम लोगों की चीज की सफाई, ये तो मैं जब आती हूँ तो मैं कहती हूँ ये क्यों नहीं हुआ, देखिए मैं खुद भी लग जाती हूँ हाथ से, जब तक आज मैंने अपनी वॉक को सेक्रीफाइस किया है गीला करके, तो इससे मैं करूंगी और फिर मैं वो दूंगी फर्नीचर पॉलिश, देखो सब सूख गया है, लो मेरा मुझे वो दो गीला करके दो, ये बस। अच्छा ये जो खास बात है ना, मैं समझी कि शायद मैं इसको ना जो रिन साबुन ही डिफरेंट उसी से स्पंज से साफ करती हूँ तो उस हर से देखो, लेकिन मसला क्या है लकड़ी अलग है, ये नीचे की जो लकड़ी है ना मेरे वहां की वो चिप बोर्ड है, मेरा एक सेकेंड हो जब बात कर रही हूँ, वो चिप बोर्ड है
उच्चे पोर्ट जो है ना उस पे जो डीको है ना वो रगड़ने में हट गया कहीं कहीं से। अब टाइम भी कितना हो गया, 10 साल हुए, 10 साल में थोड़ी बहुत मेंटेनेंस तो, लेकिन इसको कुछ नहीं हुआ। तो इसको मतलब आज के बाद मैं सिर्फ फर्नीचर पॉलिश से साफ करूंगी। ये देखिए अभी हमारा काम हो रहा है, रोजे के बाद हमने फिर खोला है और अभी जो है अनवर भैया काम कर रहे हैं, उनके जो साथी हैं क्या नाम अब्दुल रहमान साहब, ये अंदर पेंट करवा रही हूँ कि थोड़ा बहुत नीटनेस हो जाए। पहले सुबह किचन की हालत क्या थी, अभी भी हमने चीज़ें समेटी हैं, स्टोर में डम कर दी हैं, अब इंशाल्लाह कल काफ़ी चीज़ें उसको हम वापस सही कर देंगे।